तो कैसे हो आप लोग, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज है रॉयल एनफील्ड का अनबॉक्सिंग। आई होप आपको मेरा छुरा पसंद आया। तो लेट्स बिगिन। किसी ने सोचा ना था पर हमने मंगवा ही लिया रॉयल एनफील्ड से कुछ ना कुछ। देखना चाहोगे क्या है? ये खाली हो चुका है और यहाँ पे है अपनी प्रोडक्ट्स। क्लोज और पैंट्स। तो पहले आपको मैं ग्लोज दिखा देता हूँ। सिंपल से क्लोज है, कुछ कुछ काम करिए, कुछ कुछ। रॉयल एनफील्ड तो ये वाले ग्लोव्स लिए मैंने, थोड़ा लोकल राइड और ये सब करने के लिए। देखते हैं कैसा रहता है अपना एक्सपीरियंस। तो ये ग्लोव्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ये है रॉयल एनफील्ड के। सेल था, थोड़ा बहुत ये वो था तो ले लिया। फॉक्स लेदर, पॉलिस्टर एस मैच, 3D टॉर्डर प्रोटेक्टर, जेन्युइन लेदर पाम, ब्ला 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 ब्ला। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। ट्रेल ब्लेजर ग्लोव्स, जिसका MRP ये है पर अपने को सेल में मिला है अभी, क्योंकि सेल चल रहा था। तो वो एक प्रोडक्ट हो गया और दूसरा प्रोडक्ट ये वाला है। अब ये क्यों लिया? तो ये है राइडिंग पैंट्स, जो कि यहाँ से चेन आती है, वो चेन निकल के शॉर्ट्स बन जाता है, शॉर्ट भी बना सकते हैं। और लिखा तो था अंदर आर्मर, आई थिंक अपने को लगाना पड़ेगा। और इसका प्राइस है ये, पर ये भी डिस्काउंट में कम प्राइस में मिल रहा था। ट्राई करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। सबसे पहले चेक करना है आर्मर का पॉकेट है या नहीं है। हाँ, ये रहा है, यहाँ पर है। तो बेसिकली अपने खुद के आर्मर को यहाँ पे निकाल के लगा रखना। जो अपना राइडिंग पैंट है उसका आर्मर निकाल कर इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें अलग से नहीं आता है। तभी बात करते हैं ये ग्लोव्स की। तो एक ग्लोव्स मैंने लिया है इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऑफरोडिंग और लोकल राइड्स में और मॉनसून में लेदर के जो मेरे ग्लोव्स है ये पहनने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ग्लोव्स बेटर रहेंगे। पास आ जाओ, पास से बात करते हैं। तो अभी हालत है थोड़ी ख़राब, तो लुक पे मत जाओ और ये ग्लोव्स की बात करते हैं। तो ये ग्लोव्स को लेने का मेन रीज़न है मॉनसून की राइड्स, जो भी अभी अपन ने लास्ट टाइम पे देखा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है पर कम है, यहाँ पर भी है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर 2 आर्मर है, ये 2 फिंगर पे आर्मर नहीं है, और यहाँ पे पूरा मैश, और यहाँ पे भी लेदर का प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है या और यहाँ पे भी कुछ 3D टर्टल प्रोटेक्टर्स पेटेंटेड, 3D टर्टल प्रोटेक्शन। दोनों को पहन के देखता हूँ कैसा है, कंफर्टेबल है क्या है, नहीं है। मीडियम साइज़ के ग्लोव्स मंगाए थे मैंने, थोड़े से टाइट है पर आई थिंक पहनने पे या यूज़ करने पे थोड़े लूज़ हो जाएंगे। वैसे साइज़ बराबर है, बस सिर्फ रिस्ट में थोड़े टाइट है। कंफर्टेबल है, थोड़ा कुश्ती लड़ने जैसा काम हो रहा है, पर साइज़ एकदम परफेक्ट है। शायद एक साइज़ बड़ी होती तो थोड़े बड़े हो जाते। ये है मीडियम साइज़, एकदम कंफर्टेबल है और कलर भी मेरे को अच्छा लगा। ये सही चीज़ है। तो ये ग्लोव्स हो गए। कहीं पर राइट छोटी करेंगे तब मैं आपको इसका थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही। और बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशेलिन टायर की। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो वो आप आई बटन पे देख लो, वहाँ पे दिखा देता हूँ। और वो वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वाला वीडियो देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फुल रिव्यू, या तो फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म रिव्यू। अभी बात करते हैं पैंट। आई होप आ जाएगा, रिप्लेस ना करना पड़े। मैं चेक करता हूँ पैंट के। जैसे कि अभी थोड़ा वेट गेन हो गया तो मैंने उस हिसाब से 34 को मंगवाया, पर 34 का फिट नहीं हो रहा तो 32 का लेना पड़ेगा। आज है वीकेंड और इवनिंग हो चुकी है, जैसे कि शाम का टाइम हो चुका है। तो अभी शायद कॉल तो रिसीव नहीं होगा, मेल छोड़ देते हैं आरी को और देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होती है। और उसके बाद इसको एक्सचेंज करवा के जो नया पैंट आएगा उसके साथ मैं आपको दिखाऊँगा पूरा वीडियो और पूरी प्रोडक्ट, सब कुछ कैसे क्या होता है। टिल देन, राइड सेफ राइडर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।